मेरठ सर की बात करें तो आपने विवेन यहाँ पर कैफ़े रेस्टोरेंट देखे होंगे जो कि लोगों को काफ़ी लुभाते हैं, लेकिन मेरठ में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय पुलिस लाइन में बने पुलिस कैफेटेरिया है। जी हाँ, इस कैफेटेरिया की बात करें तो आपको इसमें पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। जिस तरीके से हथकड़ी का उपयोग होता है, पुलिस की पुरानी जीप है, बंदूक हैं, साथ ही साथ इस कैफ़े को जो तैयार किया गया है वो बेस्ट मटेरियल के माध्यम से तैयार किया गया है। आप खुद भी देख सकते हैं कि कितने अनोखी तरीके से इसे सजाया गया है। ऐसे में हमारे साथ एसपी ट्रैफिक भी हैं, हमसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इसको बनाया। पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव मेरा नाम है और मैं यहाँ एसपी ट्रैफिक हूँ मेरठ। सर, देखा जाए विवेन में मेरठ में रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन जो चर्चा का विषय है वो आपकी लाइन की पुलिस कैफेटेरिया है, क्योंकि इसको आपको पूरा उसी तरीके से सजाया गया, क्या कहना चाहेंगे, क्या खास है? देखिए, पुलिस सेवा में कोई समय तय नहीं होता, जवानों को कई बार बड़ा जल्दी जाना पड़ता है, कई बार बड़ा लेट आना पड़ता है। तो इस दृष्टि को देखते हुए फिर यह तय किया गया है कुछ सुपाच्य स्वास्थ्यवर्धक एक कैफेटेरिया जहाँ सामान मिल सके उनके लिए खोला गया है। इसमें जवान इसकी सुविधा का आनंद दे रहे हैं। इसमें स्प्राउट्स भी हैं, दही भी है, दूध भी है, ऑमलेट भी है, फ्रूट्स भी हैं, जूस भी हैं, और कुछ स्टफ्ड पराठा है जैसे, या सैंडविच है, सब कुछ यहाँ मिल सकता है। सर, एक हम बात करें पुलिस की, जब हम बात करते हैं तो हथकड़ी और पुलिस की जीप जो पहले दौड़ी होती थी, अब बड़ी गाड़ियाँ बन गई हों, पूरी चीज़ें इसे कवाल से भी सजाया गया है, क्या क्या खास है? देखिए, आपको गुस्से ही एहसास होना चाहिए कि आप कैफेटेरिया में तो हैं लेकिन पुलिस कैफेटेरिया में हैं, तो कुछ सिंबल्स कुछ इस तरह की चीज़ें लगा रखी हैं जिससे एहसास हो लोगों को पुलिस कैफेटेरिया है। सर, मतलब बेहतर खाना सभी यहाँ प्रोवाइड किया जाता है, क्या ये आम लोगों के लिए है, सिर्फ पुलिस के जितने भी यहाँ सिपाही हैं? पुलिस के सिपाहियों तक सीमित नहीं है, आपके लिए भी है, ये जन सामान्य के लिए है, कोई भी आ सकता है। और मार्केट से भी सस्ते रेट पर हमें चाय कॉफ़ी से लेकर के सारी चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। भैया, हम आपका नाम जानना चाहेंगे। एकदम आदेश कुमार है। भैया, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है पुलिसिया कैफे बना हुआ है, मेरठ में बतेरे कैफे हैं, लेकिन यहाँ पर नो लॉस नो प्रॉफिट के उसको चला रहे हैं और उसमें काफ़ी आकर्षण है जो कि पुलिस से संबंधित है, कैसा लगता है यहाँ? सबसे अच्छी बात तो ये है, जैसे हम पुलिस वाले हैं, हमें बाहर टाइम नहीं मिलता, ऑफिस वर्क है, यहीं ड्यूटी कर रहे हैं, बीच में 10 मिनट लंच टाइम में आके निकाल देते हैं, सबसे अच्छी बात। दूसरी बात ये कि नो स्मोकिंग, नो चिक फालतू की, सस्ता है और क्वालिटी में भी अच्छा है। जैसे कि हमने देखा कि अगर हम बाहर की बाज़ार की बात करें तो आज के समय में 10 रुपये की चाय भी नहीं मिलती है, यहाँ 10 रुपये की कॉफ़ी मिल रही है, क्या कॉफ़ी का टेस्ट अच्छा होता है या सिर्फ 10 रुपये जैसे? नहीं 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 नहीं, अगर तुलना करें बाहर से जो कुछ बार 30 रुपये मिल रही है वो यहाँ 10 की मिल रही है, और उसकी क्वालिटी प्लस जो परोसने का तरीका है, जो कप है, वो एक स्टैंडर्ड है। मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे घर का ही खाना खा रहे हो। हाँ हाँ, बेशक।